नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, आप और आपके पूरे परिवार को मेरे तहे दिल से नव चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, हमने नहाना धोना कर लिया है, अब जाके मंदिर में बत्ती जला लेते हैं। बाबा मंदिर यहाँ से घूमने के लिए, आज फर्स्ट नवरात्रि है इसलिए हमने कहा आप मंदिर हुआ आते हैं। नहाना धोना करके एकदम आ चुके हैं और भाई लोग भी आ गए हैं, ये देखो। और अब हम चलते हैं यहाँ से सीधे सिद्ध बाबा के मंदिर। सो गाइज, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं नरसिंह डाणा यानी कि सिद्ध बाबा मंदिर के पास। तो यहाँ पे गाड़ियाँ पार करने की जगह है और यहाँ पे सब लोगों ने गाड़ियाँ पार कर रखी हैं। और मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, जहाँ से जहाँ पे गाड़ियों को पार करते हैं उधर से मंदिर का ये पूरा अच्छा सा व्यू। और ऊपर जाके फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगा पूरा सिद्ध बाबा का मंदिर। ये रहा, हेलो 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 हेलो। ये रहा सिद्ध बाबा मंदिर और यहाँ पे हम लोग सुरक्षित पहुँच चुके हैं। मैं ले बस यार, फिर ये रहा सुंदर सा व्यू नरसिंह डाणा का जो यहाँ पे सिद्ध बाबा मंदिर है। आज हम लोग फर्स्ट नवरात्रि में यहाँ पे गए हुए हैं घूमने के लिए। भाई लोगों को कैसा लग रहा है? मस्त, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। यहाँ इतना अच्छा फील हो रहा है जब हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ का व्यू जो है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे। और यहाँ से चारों ओर दिखाई दे रहा है अच्छे से, आप लोगों को पूरी चारों तरफ का दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा, इन टॉप की जगह है यहाँ पे और यहाँ से मतलब सब जगह का एरिया दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और काफ़ी सुंदर सा व्यू है। हम तीन लोग गए हुए हैं, दो भाई हैं और एक मैं हूँ। और ये हैं भाई लोग, एक भाई ये है, एक हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब हम यहाँ पे धूप वूप जला लेते हैं जो हम लाए हुए हैं वहाँ से, अपनी सामग्री धूप जलाने की वो जला लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से और दिखा देता हूँ। और काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है इधर। हाँ चले, आ जाओ धूप जला लेते हैं।
काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है आज फर्स्ट नवरात्रि का जो दिन है तो उसके लिए, और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत से लोग चले भी गए हैं यहाँ से दर्शन करके, और काफ़ी लोग अभी आते रह रहे हैं, जाते रह रहे हैं। ये रहा पूरा सिद्ध बाबा मंदिर, और बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और टाइम निकाल के आप लोग भी आया करो यहाँ घूमने के लिए सिद्ध बाबा मंदिर। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे दर्शन अर्शन कर ही लिए हैं, और अब चलते हैं हम घर को। ये भाई बहुत ही नाराज़ हो रखे हैं मेरी फ़ोटो नहीं खींची करके, लेकिन मैंने इतनी सारी फ़ोटो खींच रखी है इनकी, सबसे ज़्यादा इन्हीं की फ़ोटो है, फिर भी कह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो नहीं खींची करके। नहीं खींची वाकई में इसने, लास्ट फोटो आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देता हूँ मंदिर का एरिया, जो भी है नीचे का जो ग्राउंड है, यहाँ से पूरा एरिया दिखा देता हूँ आप लोगों को। आज काफ़ी सुकून जैसा मिल रहा है, और एक बज चुके हैं, हम यहीं हैं, आप फास्ट रखा है हमने। पूरा चारों तरफ का दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं आज यहाँ पे दूसरी बार आ चुका हूँ सिद्ध बाबा के मंदिर में, एक बार बहुत पहले आया हुआ था, और आज फिर दोबारा आने का मौका मिला शिवरात्रि के फर्स्ट दिन ही। तो आप भी आइए और यहाँ दर्शन कीजिए सिद्ध बाबा के। जहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पूरा दिखाता हूँ करके, मैं वहीं पे पहुँच चुका हूँ, और पूरा आपको पूरा मंदिर मैंने दिखा दिया है चारों तरफ से। अब हम जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे चलते हैं। देखो पहले जब हम आए हुए थे तो यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, बाइकें होगी, कारें होगी, अब देखिए अब सब चले गए हुए हैं, तो अब यहाँ पे वह कुछ बाइकें और कुछ ही कारें रही हुई हैं, और सब चले गए हैं, और अब हम भी जाने लग गए हैं। भाई लोग आते आते कुछ मन्नतें मांग रहे हैं, भगवान इनकी मन्नतें पूरी करें, और जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसकी भी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी एक ही प्रार्थना है भगवान से। चलते हैं हम घर को। तो दोस्तों हम अभी यहाँ पे रुके हैं, और काफ़ी गर्मी हो रही थी तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हमने कहा दो मिनट रुक जाते हैं, और केले लाए हुए हैं, केले खा लेते हैं, फ्रूटी है, फ्रूटी भी पी लेते हैं, और हमारा जो ये वाला भाई है ये फ्रूटी खाएगा और केले को पिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे केले को पीता है और कैसे फ्रूटी को खाता है, देखते हैं। तो आप क्या, मैं सोच सोच चूस दे रखा हूँ ना, चाड़वे ना खा रही मैं इधर। भाई कह रहा है कि एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा उसमें, ये देखो।
अब हम चलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे बैठे हुए, 2 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकलते हैं डायरेक्टली चंपावत में रुकेंगे। अब कोई ब्रेक नहीं रहेगा हमारा बीच में रुकने का। सो गाइज, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कमरे में। एक भाई को कमरे में छोड़ के आ गया हूँ, दूसरा मेरे साथ यहाँ पे आया हुआ है। और आज काफ़ी अच्छा लगा सिद्ध बाबा मंदिर जाके, और बहुत ही इंजॉय भी किया हम लोगों ने, और उधर का ब्यूटीफुल व्यू देख के भी बहुत ही मज़ा आया। लेकिन कभी टाइम मिले तो आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आना, और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू व्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।